ऑनलाइन ड्राइंग पेंसिल्स का। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे। सो है गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पेंसिल आपको आपके पास वाले स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगी। इसमें आपको HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B के पेंसिल्स मिलेंगे और सब में ग्रेफाइट लीड है। ये मुझे मेरे पास वाले स्टेशनरी शॉप पे 50 रुपीज की मिली थी। तो हम इसको टेस्ट भी करने वाले हैं, तो फिर टेस्ट भी करते हैं। तो आज हमारे पास है कैमलिन ड्राइंग पेंसिल्स। तो इस बॉक्स पे हमें 2B, 4B, 6B, 8B, 10B और HB पेंसिल्स मिलेगी और काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ऊपर और नीचे से टेप लगी है, तो हम ये निकाल लेते हैं। और फिर हम इसके अंदर से पेंसिल्स को भी निकाल लेते हैं। इसके अंदर हमें 6 पेंसिल्स मिलेगी। काफ़ी अच्छी पेंसिल्स है। अब हम इसे टेस्ट भी करेंगे। मैंने ये चार्ट बनाया है 2B, 4B, 6B, 8B, 10B का। तो इस चार्ट में अभी मैं इन पेंसिल्स को शेडिंग करूँगा। अभी मैंने HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B के अंदर कलर कर लिया है। अब मैं इनके क्या यूजेस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो HB और 2B का हमेशा ड्राइंग में एक यूज़ होता है कि आउटलाइन, मतलब हम अगर कौन सा बना रहे ऑब्जेक्ट, समझो हम आई बना रहे किसी का, तो हम उसकी आउटलाइन बनाने के लिए हम HB और 2B का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने ये बनाया है, तो उसकी हम आउटलाइन HB और 2B से करेंगे। मतलब जो भी हमको बनाना है उसकी एक नॉर्मली लाइट ड्राइंग बनाते हैं हम, तो उसको आउटलाइन बोलते हैं। तो हमको HB और 2B को हमेशा आउटलाइन करने के लिए यूज़ करना है। तो अभी सेकंड आता है 4B और 6B। तो 4B और 6B हम हमेशा शेडिंग या डिटेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब हमने कौन सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है और उस पर HB और 2B से आउटलाइन बनाई है, तो हम 4B और 6B से उसके ऊपर आउटलाइन करते हैं, मतलब शेडिंग करते हैं उससे। और जो भी डिटेलिंग्स है, जैसे कि ये बाजू में हम शेडिंग कर रहे हैं और वो जो डिटेलिंग्स होती है वो हम इससे करते हैं। तो फिर आगे आता है 8B और 10B। तो 8B और 10B हम ज़्यादा कौन सा डिटेलिंग करना है या कहाँ हाईलाइट करना है हमें, तो और या डार्क डार्क दिखाना है तो वह कर सकते हैं। तो फाइनली हमारी आई ड्राइंग हो गई है। और आपको ऑब्वियसली सबका मतलब तो समझा होगा कहाँ कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है। और यह कैमलिन्स की सभी सारी पेंसिल बहुत ही अच्छी है। आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हो तो डेफिनेटली इसको बाय करें। और इसके बॉक्स के पीछे आपको एक चार्ट दिखेगा कि कौन सी पेंसिल आप कब यूज़ करते हैं। और ये मुझे 50 रुपीज़ को मिली है, तो आप ले सकते हो। जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिख देना आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। बाय।